अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ अबीर दोसर एंड आई स्टडी इन ग्रेड 9 इन भैरिया कॉलेज कराची एंड आई एम वन। आई एम कुमार दोसर एंड आई स्टडी इन ग्रेड 7 भैरिया कॉलेज कराची एंड आई एम वन। आई एम हुसैन जूजर, आई स्टडी इन ग्रेड 6 भैरिया कॉलेज कराची एंड आई एम वन। We three brothers are here with our unique joint venture named Lucky Palm, which is all about plant and planters. हम शुरू से ही हमारी अम्मी के साथ प्लांटिंग करते थे, जो कि हमें बहुत ही पीसफुल और रिलैक्सिंग एक्टिविटी लगती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारी इस हॉबी और हमारे इस पैशन को अपने बिजनेस में ट्रांसफ़र करें और इससे अर्न भी करें, जिससे कि हम लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। यही सोच के हमने जो है ये बिज़नेस शुरू किया। I have a passion of planting, so I decided to take care of plants and maintain the plants, and I also make organic waste with fertilizers. I am an artist and I love drawings and paintings, so I decided के मैं हमारी इस business का जो ये decorating का जो काम है वो सारा मैं करूँ। जैसे मैंने ये pot paint किया है और ये planter भी मैंने बनाया है। As I selected my field as an IT person, so from photography till marketing and selling, I will handle my page digitally. As we all know, our environment is getting polluted day by day. तो हमने सोचा कि हम कोई ऐसा business start करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा waste भी इस्तेमाल हो। हम इस business में 3 R's का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस reuse, reduce और recycle, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा organic waste को इस्तेमाल करके fertilizers भी बनाते हैं। We also have web pages, Facebook and Insta accounts, so people can contact with us. I will share all the details related to that particular item and pictures, for example, pictures, photograph, pictures, price rates and some minor details of that product. Our prices will be according to our prices of plants will be according to their unique qualities, and also the price of planters will be according to their unique designs. We hope people will love our products and help us to make our environment clean and green. Thank you. अच्छा, आप लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है या आप करने वाले हो? थोड़ा कर लिया, थोड़ा आप। अच्छा, और आपके वैसे प्रोडक्ट लाइन आपकी क्या क्या है? एक तो आप फर्टिलाइजर्स बना रहे हो, दूसरा आप ये पॉट्स बनाते हो, प्लांट्स भी आप देते हो? ग्रो सीड से ग्रो करते हैं और उसको फिर प्लांट करके आगे चलते। अच्छा, ये वाली जो कैटेगरी है सीड से प्लांट ग्रो करना, फिर उसका ख्याल रखना, ये बड़ी टेक्निकल कैटेगरी है, तो ये इसका ख्याल कौन रखता है? जिस तरह आप जो वो ड्राइंग अच्छी करते हो, आप फर्टिलाइज़र बनाते हो, उसका ध्यान कौन रखता है? आप रखते हो? कैसे रखते हो? हम उसे रोज़ पानी भी देते हैं और उनके उनके उसके हिसाब से उन्हें फर्टिलाइजर भी रोज़ देते हैं, और अक्सर उनकी सॉइल में एग पाउडर भी मिक्स करके वो फर्टिलाइजर्स के हिसाब से। अच्छा, फर्टिलाइज़र भी आप ही बनाते हो? और क्या? कैसे बनाते हो? जैसे पील्स और होती है ना, बनाना की पील्स हो गई, और उन सबसे बनाते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर घर भी बनाते। अच्छा, कई बीमारियां भी होती हैं पौधों में, उसके बारे में आप लोगों को पता है? वो उसके लिए हम ऑर्गेनिक जो उसकी सारी दवाइयाँ होती हैं, जो जैसे बनाना की पील को पानी में थोड़े टाइम 2 डेज तक अगर आप उसके अंदर रखेंगे तो एक ऐसे बनाना की पील से वो एक दवाई टाइप बन जाती है, जिससे आप पेस्टिसाइड और अगर लग जाते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। अच्छा, एक प्लांट की क्या कॉस्ट पड़ती है? सपोज़ ये वाला पॉट जो रखा है, ये मुझे कितने का पड़ेगा एज अ कस्टमर? ये 150 तक का पड़ेगा। 150 का पड़ेगा? कैसे? इसकी आपकी आपने क्या कॉस्टिंग की है इसकी? 20 रुपीज़ का ये पॉट है, और 30 रुपीज़ की सॉइल और वो सब है, और 50 रुपीज़ की जो है ये पेंटिंग पेंट और सब कुछ 50 रुपीज़ का हुआ है, और बाकी जो मैंने किया है और वो प्रॉफिट। बाकी आपका प्रॉफिट है? ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट इसमें आपको हो जाता है? 50 रुपीज़ का। और ये कोई परचेज़ करना चाहे तो फेसबुक से परचेज़ करेगा? उसकी डिलीवरी कैसे होगी? वो हमारे ऑनलाइन वो
वो वेब पेजेस से और मंगवा लें तो। हाँ मतलब आप आगे बाइकिया को देते हो, कोई आपके पास राइडर है? बाइकिया से भेजो। उसकी एडिशनल कॉस्ट है जी? एडिशनल होगी ना, बाइकिया भी तो पैसे लेगा। हाँ वो बाइकिया के अलग। तो 150 रुपीज़ का पॉट अगर कोई मंगवाएगा तो वो तो उसको 300 का 400 का पड़ जाएगा, महंगा नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा वो? ज़्यादा महंगा नहीं होगा, 200 तक की या डिलीवरी चार्जेस 50 या 50 to 100 तक डिलीवरी चार्जेस। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट तरीका ये हो सकता है अगर आप लोग वाकई काम करना चाह रहे हो, ये वाला जो बाइकिया के ऐप के थ्रू जब हम करते हैं ना कोई भी राइड बुक, तो वो ऑब्वियसली महंगी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें बाइकिया के राइडर्स ऐड होते हैं, तो आप अपने एरिया का उसमें पता डाल दो कि यहाँ से हम इस तरह का काम करते हैं और हमें पार्ट टाइम में राइडर्स चाहिए, तो वो ये हो सकता है कि जब वो अपना काम करने जा रहे होंगे आपका पॉट भी लेके चले जाएंगे, तो आपको वो आधे पैसों में पड़ जाएगा। जो 150 आप बाइकिया को दोगे हो सकता है 70-80 रुपीज़ आपको उनको देने पड़े, वो पैसे बचेंगे तो कस्टमर परचेस करेगा, वरना इतने महंगे एक्सपेंस कैसे पे करेगा वो। अच्छा देखो, पर्सनली मुझे भी प्लांटेशन का बहुत शौक है, बट मैंने एनवायरनमेंट में कुछ अर्से काम किया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और दूसरी चीज़ों पे, तो मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि आप इतना सॉइल और इतना टाइम एफर्ट और तमाम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ पत्ते उगाने पे लगा दें। आई थिंक हमें फ़ूड ग्रो करना चाहिए, क्योंकि फ़ूड शॉर्टेज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन अब तो फूड अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये कि जो सब्ज़ियाँ आजकल बिक रही हैं इवन कराची में भी और दूसरे सिटीज़ में भी, एवरीवन नोस कि वो किस गंदे पानी में उगाई जाती हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ क्यों नहीं सोची? क्योंकि इसके लिए स्पेस ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होता है। इट्स ईजी टू ग्रो सच प्लांट्स बट दे आर ऑफ नो यूज़। इवन बहुत सारे पौधे ऐसे लगे हैं अभी भी कराची में जो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट को मज़ीद नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये टेक्निकल नॉलेज और ये कॉम्पिटिटिव एज मुझे लगता है आपके काम का हो सकता है कि आप पत्ते उगाने के बजाय फूड ग्रो करना शुरू करें। हमारे पास एक स्वीट मेलन का भी एक पॉट है जिसमें हमने वो उगाया है, तो जब वो ज़्यादा बड़ा होने लगेगा फिर हम उसे शिफ्ट कर देंगे कहीं पे। सही, तो क्योंकि हर प्लांट की एक एज होती है, पॉट के बाद फिर उसे जाना होता है ज़मीन में, तो तब तक आपको उसको सेल करने का करना होगा ताकि जो भी बंदा ले वो उसको अपने गार्डन में लगा दे। तो थिंक अबाउट इट, और ये एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एज हो सकता है। ये भी हमारा। अच्छा, I want to ask that where do you see yourself in next 5 years? We will take big projects about garden and lawns and we farms and what's that? Like farmhouse and gardens, lawns. अच्छा, ऑनलाइन ही प्रोजेक्ट्स लेंगे आप लोग? Never think of building a nursery या कोई ऐसी चीज़ आप बनाए जहाँ पे लोग जो हैं अट्रैक्ट हों, लाइक एक यू नो एक प्लांट म्यूजियम हो सकता है, एक प्लांट लैब बन सकती है पूरी जहाँ पे आप पूरे प्रोसेसेस अपने दिखाएं या कुछ भी? अब आप लोग आगे करोगे, इस पर ज़रूर काम करो, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल वेबसाइट्स यूज़ नहीं करते। देखो प्लांट्स का शौक़ ज़्यादातर जो है वो ओल्ड एज लोगों को होता है, ठीक है? अब वो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं बैठ के देखेंगे, वो कहेंगे छोड़ो हमें नहीं करवाना यहाँ से, नहीं मंगवाना, ठीक है? दे पर्सनली वॉन्ट टू विजिट सच प्लेसेज, वो ऐसी जगहों पर जाना चाहेंगे जहाँ पर उनको ये नज़र आए कि अच्छा यहाँ से हम ले सकते हैं, तो आप ऐसी जगह उनके लिए प्रोवाइड करो, दैट वुड बी गुड, ठीक है? एक मेरा क्वेश्चन है प्लीज, ये जो 50 रुपए का प्रॉफिट है ये शेयर कैसे होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भाई हो ना आप तीनों, कैसे होगा? नहीं, क्योंकि इनिशियली तो जो अमाउंट आता है उसको आपने री इन्वेस्ट करना होता है। अगर कोई एक भी री इन्वेस्टमेंट में नहीं हो इंटरेस्टेड, वो बोले नहीं आज मुझे तो आइसक्रीम खानी है मैं री इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तो इट विल पुट फॉरवर्ड सम कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे, आप इक्वली डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद जो रेवेन्यू में पार्टिसिपेट ना करे दोबारा इन्वेस्ट करने में, तो फिर उसका शेयर कम होता जाएगा। हाँ, इस पर सोचना। थैंक यू।